नानो बनाया क्या? देखिए पापा ट्राई कर रहे हैं इस पे बैठ के झूलने की। ये सही है ना? हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज दिन है मंगलवार और मंगलवार की सुबह है। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, अब करूँगी पूजा। और ये राधिका ने यहाँ पे पोछा लगा दिया है। झाड़ू तो मैंने सुबह लगा दी थी, तो बस इसने पोछा लगा दिया। ये आज खेत में नहीं गई, अब ये नहाने जा रही है, मंदिर में जाएगी। और मम्मी, वीर और हस्बैंड जी तीनों गए हुए हैं खेत में। और बारिश का मौसम तो हो ही रहा है, हल्की सी बारिश पड़ी सुबह, रात को कोई बारिश नहीं हुई, रात भर नहीं हुई बारिश, और सुबह भी हल्की बारिश, बहुत मतलब बूंदें आ जाती है, दो चार बूंदें फिर रुक जाती है। और बस अब पूजा करती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या ब्लॉगिंग होती है। तो देखिए ये बारिश शुरू हो रही है फिर से, हल्की हल्की, कभी बंद हो जाती है कभी शुरू हो रही है, तो ये फिर से होने लगी। मैं पूजा करने लग रही थी कि शुरू होगी बारिश, मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं तुलसी माँ से तुलसी दल ले रही हूँ, यानी तुलसी दल तोड़ रही हूँ पूजा के लिए और मोहन की सेवा के लिए। तो जैसे मैं तुलसी दल तोड़ती हूँ ना, तो पहले तुलसी माँ से पूछती हूँ कि आपकी शाखा से कुछ दल तोड़ लूँ। तो ऐसे दल तोड़ने के बाद तब उनको धन्यवाद बोलती हूँ। इस तरह से मैं दल तोड़ती हूँ तुलसी दल। और बरसात के मौसम में ना बहुत ही अच्छी होगी मेरी तुलसी माता। अब हम कर रहे हैं नाश्ता। ये रहा वीर और ये उदय। गाड़ी तो बनाने लग रही हूँ हस्बैंड जी के लिए नाश्ता। अभी नाश्ता मैंने क्या बच्चों ने कर लिया है, अभी हस्बैंड जी आई खेत से तो नहा लिए हैं, अब उनके लिए नाश्ता दे रही हूँ। और अब मम्मी नहाने गई हुई है, मम्मी पहले मंदिर में जाएंगी तो उसके बाद आके नाश्ता करेंगी। तो नाश्ता भी हमारा किस्तों में बनता है, जो जब आता है उसको तभी देती हूँ बना के, तो ले जाती हूँ। क्या देख लो, यहाँ पे हस्बैंड जी बच्चों के लिए डाल रहे हैं झूला। बच्चों ने बहुत दिन से मेरी जान खा रखी थी, मुझे परेशान कर रखा था, मम्मी झूला डलवा दो झूला डलवा दो। तो आज फाइनली इनके लिए झूला डलने लग रहा है। इनकी भी गलती नहीं है, सावन शुरू के सावन से डल जाना चाहता मतलब झूला, और सावन के चले गए कई दिन, तो अब डलने लग रहा है झूला। हस्बैंड जी का भी टाइम नहीं लग रहा था कई दिन से, तो बस आज डाल रहे हैं ये। नानो बनाया क्या? पापा मजबूत बना दियो। देखिए पापा पटरी बांध दिया पापा ने, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से बांध दिए। ये मतलब हो क्यों रहा? देखिए पापा ट्राई कर रहे हैं इस पे बैठ के झूलने की। ये सही है ना? खाने के लिए मैंने बना ली है दलिये वाली खिचड़ी, ये बनने लग रही है। तो ये दोपहर के खाने के लिए बन गई है। और मैं
अब मैं करूंगी कपड़ों पर प्रेस। कल के धुले हुए कपड़े हैं, कल नहीं हो पाई थी प्रेस, लाइट चली गई जब मैं करना चाह रहे थे, और फिर रात देर तक लाइट आई थी, तो फिर इसलिए अब करूंगी प्रेस में। खाना मेरा बन चुका है, दलिया बना लिया है धुले दलिए की, और बस प्रेस करती हूँ। और मेरी वीडियो है जो अपलोड करूंगी मैं, तो उसको एडिटिंग कर रही थी मैं, अधूरी रह गई एडिटिंग, मैं एडिटिंग करूंगी पहले, उसके बाद तक प्रेस करूंगी। तो हमारी खिचड़ी बन चुकी है, गैस कर दिया मैंने ऑफ। हाँ ऐसे करती है वो, जल्दी आ कैसे डराएगा। अच्छा बता पेपा पिग में जॉर्ज कैसे करता है, जॉर्ज कैसे करता है, जॉर्ज डायनासोर से कैसे डराता है वो, कैसे डराता है डायनासोर। चले 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 हम जाने लग रहे हैं कावर देखने। ये उदय भी तैयार हो गया है, मैं भी तैयार हो गई हूँ, भीड़ भाड़ है, और पापा अभी आने लग रहे हैं। पापा के बिना थोड़ी ना जाएंगे, रुक तो जाओ। ये मुझे कह रहा है कि चलो चलो चलो, हीरा बोलो हेलो हेलो ऐसे कर। ईशु भी रेडी है यहाँ पे जाने के लिए। ये भी हो रहे नहीं तो मैं भी अपनी जूती पहन लेती हूँ, उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊंगी पूरी। तो बस पापा भी आने वाले हैं, फिर हम चलते हैं। बाय बाय खुशबू, मुझे भी ले जा नानो, मैं भी चलूं। आ जाऊं मैं भी, कहाँ बैठाऊंगा, कहाँ बैठूंगी मैं, वहाँ तो जगह ही नहीं है। तो बच्चे तो कावड़ देखने गए पापा के साथ, और मैं आई हूँ यहाँ बच्चों के लिए झूला डलिया है नीचे, दिखाया होगा राधिका ने, ये रहा झूला। और अपने मोहन को बैठा के झुलाती हूँ, मोहन के लिए ऊपर डलेगा दूसरा झूला, तो यहाँ पे अभी झुलाती हूँ अपने मोहन को यहीं पे बैठा के। तो ये झूल रहे हैं मेरे मोहन, मैं भी झूलने लग रही हूँ अपने मोहन के साथ। ये रहे मेरे मोहन, राधे राधे मजे आ रहे हैं मोहन के तो झूलने में। बच्चे बहुत दिन से जान खा रहे थे मेरी मम्मी झूला डलवा दो झूला डलवा दो, बस हस्बैंड जी का टाइम ही नहीं लग रहा था झूला डालने का, क्योंकि ड्यूटी पे थे वे, फिर दो दिन ड्यूटी करते हैं दो दिन घर पे रहते हैं, तो इस बार उन्होंने चार दिन की कंटिन्यू ड्यूटी करी तो उनका टाइम ही नहीं लगा। फिर कल थक गए थे, कल सो गए थे, चार दिन बाद ड्यूटी से आए, और तो फिर आज डलवाया, फिर आज भी सुबह से मेरी जान खाई रखा था मम्मी डलवा दो डलवा दो, तब दोपहर का खाना खा के तब डाला। मोहन के लिए कल डलेगा ऊपर दूसरा झूला, यहाँ तो ये बच्चों के लिए डाला ना मैंने, तुम्हें झुलाने के लिए ले आई मैं, मोहन के लिए कल डलेगा दूसरा झूला, नहीं तो आज ही डाल। तो अब चलते हैं ऊपर, झुला लिया है मैंने अपने मोहन को और मैं भी झूल ली हूँ। 6 बजने वाले हैं 5 मिनट में, और मुझे अब खाना बनाना है, क्योंकि व्रत का खाना ही बनाना होता है देवर जी के लिए, और बाकी अपने लिए बनाना है, तो डबल डबल खाना बनाना होता है, तो फिर इसलिए जल्दी लग जाती हूँ खाना बनाने, ताकि तो अब बनाते हैं खाना। मोहन को ले आई हूँ मैं बाहर, ये बैठे मोहन तुलसी मैया के पास, तो ये बैठे मोहन यहाँ पे तुलसी मैया के पास, और
आज बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, पूरे दिन से घटा थी, मतलब धूप तो निकली नहीं, पूरा दिन घटा थी और अब निकली है धूप। शाम के टाइम आके अब सूरज जब छिपने लगा तब धूप निकली। देखिए सूर्य देव दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो कई दिन की लगातार बारिश के बाद आज हुआ मौसम की बारिश नहीं हुई पूरा दिन, वरना कल भी पूरा, मतलब कल दोपहर तक तो साफ था मौसम, शाम के टाइम बारिश हो गई थी, लेकिन आज तो पूरा दिन साफ रहा, मतलब घटा रही और अब धूप निकल गई। तो अपने ब्लॉग को बस अब यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, राधे राधे, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा आज का। बाय, राधे राधे, थैंक यू।